Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. तो यार हम लोग आज जो है यूनिवर्सिटी की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसमें मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं वो आने भी चाहिए बिकॉज जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं भले वो UET हो, NUST हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार उसमें जो है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं और उनमें जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको हर यूनिवर्सिटी देती है वो होती है स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स कौन सी आप ले सकते हैं, इंटरनल स्कॉलरशिप्स कौन सी ले सकते हैं, सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो आपको ये करना है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और अगर आपको वीडियो के लास्ट में लगे कि आई डिजर्व तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इट मींस अ लॉट। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ओके सो गाइस, इफ आई कैटेगराइज स्कॉलरशिप्स स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट UET मर्दान जो कि आपको ऑफर होती हैं तो मेन टू कैटेगरीज हैं यार, एक इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती हैं और एक एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल वो होती हैं कि जो आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो लाइक एहसास स्कॉलरशिप तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। लाइक ये स्पेसिफिक नाम नहीं है कि इंटरनल एक्सटर्नल, बट आई एम सेइंग देम लाइक दैट। और जो इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती हैं वो होती हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आपको ऑफर करती है, ठीक है, बेस्ट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि आज हम डिस्कस करेंगे सब। अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यार जो इंटरनल स्कॉलरशिप्स हैं UET में वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा आपकी एडवर्टाइजमेंट में भी और हर जगह आपको प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाता है कि यार टॉप स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है, सही है। तो बेसिकली अगर मैं कैटेगराइज करूँ इनको, सब कैटेगराइज करूँ इंटरनल स्कॉलरशिप्स को, तो तीन टाइप स्कॉलरशिप्स होती हैं। सबसे पहले तो अगर आप ईटा करके आए हैं ना तो ऑलरेडी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई होती है। कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि आपकी फीस ऑलरेडी रिड्यूस कर लेती है, ठीक है, ओपन मेरिट ऑलरेडी इटसेल्फ इट इज़ अ स्कॉलरशिप। अच्छा, जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद ना जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं एक्चुअली टॉप 20% स्टूडेंट्स, वो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल एक्सेट्रा में जो है टोटली टॉप 10 स्टूडेंट्स को जो है वो फ्रीशिप स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसको कहते हैं फ्रीशिप, सही है। अब फ्रीशिप किस बेस पे मिलती है इस बात पे बात करते हैं। तो ये मेरिट बेस्ड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा जो है ये होता है कि आपको टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना होता है। टॉप 10 स्टूडेंट्स किस बेस पर बनते हैं, CGPA की बेस पर। अब आप ये सोचेंगे कि अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका CGPA क्या है, ऑफकोर्स आपका CGPA नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन ईटा, जो आपकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनी है आपके एग्रीगेट के हिसाब से, जो आपकी पोजीशन बननी है क्लास में अगर वो टॉप 10 में आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्यूरियस हैं और बहुत से र्यूमर्स भी यार मैंने देखे हैं सुने हैं कि ऐसा ये बस एडवर्टाइज़ करने के लिए कहते हैं और देता कोई नहीं स्कॉलरशिप, ऐसी कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी जो कहेगी वो आपको देगी। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर में आप अच्छा ये एनुअल स्कॉलरशिप होती है, मतलब अगर आप टॉप 10 में आ गए ईटा की मार्क्स की बेस पर, आपका एग्रीगेट अच्छा है और आप टॉप 10 में, तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो इस साल के लिए ये वैलिड रहेगी। मतलब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अभी तो आपने जमा कर ली है ना, तो वो जब स्कॉलरशिप आपको कैश की फॉर्म में मिलती है तो वो एक तरह से आपको फ़ीस वापस हो जाती है, ठीक है, जितनी आपकी फ़ीस है एग्जैक्टली उतनी स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ मतलब नहीं होता कि पॉकेट मनी है, इस तरह का कोई सीन नहीं है सिर्फ, लेकिन आपकी फ़ीस जो है वो ऑफ हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। एक बात और इधर मैंशन करूँगा कि अफगान स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 2,50,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास एनुअल उन्हें मिलते हैं। ये भी इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था, इधर इंजीनियर साहब बैठे हैं इन्होंने मुझे बताया। तो खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार अब अच्छा फर्स्ट ईयर आपका ख़त्म हो गया, अब आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में लेट्स सपोज आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप क्लास में टॉप 10 में नहीं थे लेकिन आपकी पोजीशन थी 11 12 या 40 पोजीशन थी, लेकिन आपने अपने परफॉर्मेंस आपने ऐसी रखी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आपका GPA आया है 3.7 समथिंग या 9 समथिंग और आपका CGPA जो है वो अच्छा बन गया। अब ना फर्स्ट सेमेस्टर के बाद दोबारा से जो है ये आपका मतलब रिफ्रेश होगी आपकी मेरिट लिस्ट, ऑफ कोर्स जो है फिर आपको जो है दोबारा से सेकंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स पहले थे अगर उनमें से कोई निकल गया स्टूडेंट उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अभी टॉप 10 में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको CGPA पर और अपने GPA पर भी फोकस करना है। CGPA GPA क्या होता है आई विल टेल यू इन माई वीडियोज़, बिकॉज ग्रेडिंग सिस्टम को समझना इज़ मस्ट, ट्रस्ट मी इट इज़ मस्ट। एंड OBE मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा, बहुत से जूनियर्स ने पूछा PLO CLO क्या है समझ नहीं आ रही,
कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आई विल टेल यू एवरीथिंग, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब सेकंड जो है हमारे पास, जो थर्ड स्कॉलरशिप आती है हमारे पास, वो है पॉवर्टी स्कॉलरशिप। पॉवर्टी स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन योर फैमिली स्टेटस यार। अगर जो है इफ़ यू आर फ्रॉम अ पुअर फैमिली तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये है कि इसकी सीट्स सिर्फ दो ही होती हैं और इन दो सीट्स पे आपको जो है इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब है इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जाके इंटरव्यू देना है और अपना स्टेटस शो करना है कि यार मेरा फैमिली स्टेटस है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्या अगर हम एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स की बात करें तो उसमें यार एक स्कॉलरशिप हमारे पास जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है हमारे पास एहसास प्रोग्राम। अब जो है ना इसमें क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है यार, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जब एहसास स्कॉलरशिप कब आती है, तकरीबन जब आपका सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होता है, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद ना आपको आता है। यूजुअली थर्ड सेमेस्टर में आप अप्लाई करते हैं या सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में, इस तरह से वो आता है। और वो बेस्ट स्कॉलरशिप है, उसके लिए ज़रूर ट्राई करना। और उसका लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आपको बताना है कि हाँ वो स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो भी मेरिट बेस्ड होती है, और उसकी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब आपके साथ जो एडवर्टाइजमेंट शेयर होगी उस पर लिखी हुई होंगी। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। आई होप दिस वीडियो आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट स्कॉलरशिप्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।